हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए कुनाफे की रेसिपी लेकर आए हैं। ये एक अरबिक डेजर्ट है और इसके सारे इंग्रेडिएंट आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कप शक्कर लिया है और उसे एक कप हम पानी लेंगे। इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे। शक्कर की और पानी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब इसी में हम 3 से 4 ड्रॉप्स हम नींबू के डालेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चटनी हल्की गाढ़ी ना हो जाए। अब उसी में डालेंगे हम रोज़ वाटर 1/2 टीस्पून। रोज़ वाटर की जगह आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हमारी चाशनी रेडी है। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम सेवई लिया है, ये मैंने भुना हुआ ही लिया था, ये मार्केट में इजीली मिलते हैं। इसको हम अच्छे से अब इसको हम बारीक कर लेंगे। अगर ये सेवी आपके पास नहीं तो आप कोई भी सेवी लेकर यूज़ कर सकते हैं। कुनाफा का टेस्ट सेम यही आएगा। अब एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, इसको मेल्ट करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सेवी और इसको अच्छे से हम 5 मिनट तक हम भून लेंगे। ये भुनी हुई सेवी है, अब कच्ची रहेगा तो ये कलर आने तक आपको भूनना है। देख सकते हैं मैंने 5 मिनट तक इसको भून लिया है अच्छे से। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 300 ml दूध लिया है, इसको अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है और ठंडा करना है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप मिल्कमेड। अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिल्कमेड से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब 1 कप में हमने 4 टीस्पून दूध लिया है, उसी में डालेंगे हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये दूध में डालेंगे। अब इसको हम कंटिन्यूसली 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे और गैस की फ्लेम हमें कम ही रखना है। अब यहाँ पर डालेंगे हम क्रीम चीज़ या फिर आप कोई भी प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको हमें 5 मिनट तक चीज़ मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। देख सकते हैं हमारी क्रीम रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम 2 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे 2 मिनट तक और इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक रिंग लिया है, अब इसके अंदर हम कुनाफा डालेंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे इस तरह से, कोई जगह छूटना ना चाहिए। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए या बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हम चाशनी। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए इस तरह से। अब बची हुई चाशनी हम बाद में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम क्रीम, अच्छे से क्रीम को भी अच्छे से फैला देंगे। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप शैलो डिश में भी बना सकते हैं या पैन में भी बना सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से फैलाएंगे। अब हम बची हुई क्रीम में डालेंगे इसके ऊपर। अब हम बची हुई कुनाफा डालेंगे, बचा हुआ कुनाफा डालेंगे इसके ऊपर और इसको हल्के हाथ से फैलाएंगे। अब हम डालेंगे बची हुई चाशनी इसमें। हम
पिस्ता से डेकोरेट करेंगे। आप पिस्ता या बादाम से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम आहिस्ता से रिंग हटा देंगे। ये ईद में आप ये डेज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये डेज़र्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कैसे लगा कुनाफा की रेसिपी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से हम कट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।